जितने भी हॉस्पिटल बस्ती दवाखाने खुले हैं सर, वो कम है तादाद में। हम चाहते हैं कि वो दवाखानों को आप इंक्रीज करिए, चूँकि आज की तारीख में लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है सर, अपने आप को और बच्चों को सबको देखने के लिए। ये स्कीम वाकई बहुत अच्छी है सर, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर साहब इस पर गौर करके तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर आप बस्ती दवाखाना खोलेंगे तो बेहतर होगा सर। एक और एक अहम बात यह है सर, जो एग्जिस्टिंग जीएचएमसी में बस्ती दवाखाने चल रहे हैं, जैसा मेरे एरिए के अंदर आसिफ नगर में है, मल्लापल्ली है, रेडिल्स है सर, उसमें डॉक्टर्स नहीं आ रहे सर। लास्ट सजेशन है सर मेरी, मैं हमारी पार्टी की तरफ से एक छोटी सजेशन ये देना चाह रहा हूँ सर, जिस बस्ती दवाखाने में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ना सर, उनको परमानेंट कर दीजिए सर। क्या हो रहा है, उनको कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर ऑप्शन मिला तो वो लोग उधर चले जा रहे हैं सर, फिर वो उसको नए डॉक्टर को भिजाने के लिए तकलीफ हो रही है। चूँकि बस्ती दवाखाना अपन लंबा चलाने का है सर, टेम्पररी नहीं है, इसमें अगर आप परमानेंट अगर डॉक्टर्स को कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ధన్యవాదాలు. ఈ పల్లె దవాఖానాలు మరి బస్తీ దవాఖానాలు